सोनिया जी, अगर दियो के सही रेट लगाओ तो 50 दिए दे दो, दिवाली आने वाली है, मैं सोच रहा हूँ अभी से दिए लेके रख लूंगा। मोदी जी एक बात बताओ, मैंने आपको दियो के रेट ज्यादा नहीं बताए, 50 रुपए के 100 दिए बेच रही हूँ मैं, ले लो। इसका मतलब बहन सोनिया जी 1 रुपए के 2 दिए हो गए। अरे हाँ मोदी जी, 50 रुपए के 100 दिए तो 1 रुपए के 2 ही दिए हो गए। ये देखो मम्मी जी, शिवराज सिंह जी केजरीवाल जी के यहाँ पे दिए खरीदने के लिए जा रहे थे, मैं रास्ते में ही इन्हें अपने साथ ले आया, नहीं तो ये केजरीवाल जी की दुकान से आज दिए खरीद लेते। शिवराज सिंह जी ये कोई बात नहीं हुई, हमारे दियो में कोई कमी है, पिछले साल दिवाली के मौके पर आपने हमारी दुकान से दिए खरीदे थे। नहीं बहन सोनिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा पिछले साल आपकी दुकान से मैंने दिए खरीद लिए थे, इस बार केजरीवाल जी की दुकान से दिए खरीद लेता हूँ। अरे शिवराज सिंह जी, अगले साल केजरीवाल जी की दुकान से दिए खरीद लेना, इस बार हमारी दुकान से दिए और खरीद लो। चलो कोई बात नहीं है, खरीद लेता हूँ तुम्हारी दुकान से दिए। क्या रेट भेज रही हो बहन सोनिया जी दिए? जो रेट मैंने मोदी जी को बताया उसी रेट में मैं आपको दिए बेच दूंगी, 1 रुपए के 2 दिए यानी कि 50 रुपए के 100 दिए। लेकिन सोनिया जी एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, केजरीवाल जी 50 रुपए के 150 दिए बेच रहे हैं और आप 50 रुपए के 100 दिए दे रही हो, ये कोई बात नहीं हुई। अरे योगी जी, केजरीवाल जी के दिए कच्चे हैं, उन्होंने आग में सही तरीके से तपाए नहीं है, तेल डालोगे तुरंत टूट जाएंगे, और मेरे दिए बिल्कुल पक्के हैं, आग में अच्छी तरीके से तपे हुए, खरीद लो, इसीलिए मैं अपने दियो को महंगे बेच रही हूँ। सोनिया जी कोई आपसे दिए खरीदे ना खरीदे, मुझे 50 रुपए के 100 दिए दे दो, दिवाली नजदीक है, फिर दियो के रेट बढ़ जाएंगे दिवाली के टाइम पर, इसीलिए मैं आपकी दुकान से अभी से दिए खरीद के रख ले रहा हूँ। अखिलेश तुम हमेशा अच्छी तरीके से दिए खरीदते हो, कभी भी आप सौदाबाजी नहीं करते, आराम से जो रेट में बताती हूँ उसी रेट में खरीद लेती हो। बहन सोनिया जी, इस दिवाली के मौके पर आप दिए बेच के अच्छा पैसा कमा लेती होगी, अब दिवाली का वक्त चल रहा है, आपके दिए भी काफी ज्यादा बिकते होंगे। मोदी जी इधर उधर की बात मत करो, आप दिए लेने के लिए आयो, दिए खरीदो, क्या मेरी दुकान का प्रॉफिट पूछ के आप भी दिए की दुकान रखोगे? अरे नहीं बहन सोनिया जी, मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ, अच्छा फायदा हो जाता होगा, क्योंकि आप रोड पर दिए की दुकान रख कर बैठती हो, अच्छे खासे दिए बिक जाते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बड़ी दुख की बात है अखिलेश भैया, कहो तो कहूँ या तो ना कहूँ, लेकिन मुझे कहनी पड़ रही है बात, कि बताइए अखिलेश भैया कि यहाँ पे मोदी जी के और लालू जी के थाली में कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे भंडारे का क्या फायदा, जो दो लोगों का खाना ही ना मिले वैसे पत्थर लेके बैठे रहे, ऐसे बैठने से क्या फायदा है, बड़ा तकलीफ होती, मन करता है अपने थाली में के थोड़ा सा दे दूं, लेकिन मैं सोचता हूँ इनको दे दूंगा तो मैं क्या खा लूंगा। अब ऐसा भंडारा देखिए आप, ये बताइए अखिलेश जी कि इससे कोई किसी को तकलीफ है कि हम ही को केवल तकलीफ है, ये बता दीजिए। अरे हाँ केजरीवाल भैया, यही तो हम सोच रहे थे इतनी देर से कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं क्यों अकेले बोलूं, अब बताइए यहाँ पे ऐसे भंडारा करने से कोई फायदा थोड़ी है। योगी जी को नीतीश को देखो, अच्छे से मिल गए, खाना खा रहे हैं, अब बताओ 3 लोगों को नहीं मिला है, 2 लोगों के नाम तुमने लिया केजरीवाल, लेकिन यहाँ पे राहुल का कोई नाम नहीं ले रहा है। अरे राहुल को, लालू जी को और मोदी जी को किसी को नहीं मिला है, ये बात सच्चाई है, हकीकत बात है, लेकिन भर भर के पेट ये लोग खा रहे हैं खाना, देखो नीतीश कुमार कैसे खाना खा रहे हैं भर भर के पेट, हम तो भैया जब तक खाना नहीं आ जाएगा मोदी जी का तब तक नहीं खाएंगे, कुछ भी हो जाए। अरे का तुम हो अखिलेश, का बोले जा रहे हो इतनी देर से, हम सुनते जा रहे हैं तुम्हारी बातें, ये बताइए कि हम क्या करें, अब बताइए हम खाना खा लिए हैं का, जैसे बोल रहे पेट भर भर के, हम भर भर के पेट खाए हैं। अरे ऐसा मत बोला करो, हमको अच्छा नहीं लागत है, ये हम बताई दे रहे हैं, अब बताइए जब तक मोदी जी को, लालू जी को और राहुल जी को खाना नहीं मिल जाएगा तब तक हम नहीं खाएंगे। अरे ऐसा करिए राहुल जी, हमारा प्लेट में से थोड़ा सा चावल लेके तुम भी खा लो, कोई बात नहीं खीर ले लो थोड़ा सा। अरे नीतीश चाचा, हम ऐसे काहे ले ली खाना, हम नहीं ले सकते हैं खाना तुम्हारे प्लेट से, हम ऐसे बैठे रहेंगे, चले जाएंगे। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अरे मोदी जी, योगी जी, राहुल, ये बोरे में क्या लिए चले आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो सब लोग इकट्ठे होकर? लालू जी तुम्हें शायद पता नहीं है, आज गाँव में राशन बट रहा है, जाके राशन ले आओ, राशन नहीं लोगे तुम क्या? अरे गाँव में राशन मिलने का दिन आ गया, अरे मैं यहाँ पर दुकान खोले बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं है, जल्दी से दुकान बंद करता हूँ और राशन लेकर आता हूँ, पहले राशन जरूर है। लेकिन मोदी जी आपको राशन बहुत मिला है, कंधे पर अनाज का बहुत भारी बोरा लिए चले आ रहे हो,
क्या है इस बोरे में? नानू जी राशन में मुझे 50 किलो चावल मिले, चावल लेके आ रहा हूँ मैं। बहुत वजन है, कंधा थक गया बिल्कुल, इस राशन को कंधे पर रखे रखे। तो मोदी जी आप साइकिल क्यों नहीं लाती हो? साइकिल का क्या हुआ? साइकिल तो है आपके पास, ये देखो मैं अपना राशन साइकिल पर रख कर ले जा रहा हूँ कि नहीं ले जा रहा हूँ देखो। अरे योगी जी साइकिल तो है, लेकिन सुबह ही मैंने देखा साइकिल के पहिए को, साइकिल पंचर पड़ी हुई है, पंचर हो गई साइकिल, इसीलिए मैं नहीं लाया। और योगी जी तुम्हें राशन में गेहूँ मिला या चावल, क्या लेके आयो? अरे मोदी जी ये तो अपने मन पसंद की बात है। अरे आप भी तो अभी राशन की दुकान से आए हो, आपको पता होना चाहिए आप कोई भी चीज ले सकती हो अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर गेहूं की जरूरत है तो गेहूं ले लो, अगर चावल की जरूरत है तो चावल ले लो। मैं तो गेहूं लेके आ रहा हूं। और राहुल तुम्हें क्या मिला, गेहूं या चावल? अरे योगी जी हमने तो दोनों चीजें आधी आधी ले ली, आधा गेहूं ले लिया आधा चावल ले लिया हमने राशन में, और वजन भी आधा आधा हो गया। चावल मैं ले जा रहा हूं अपने पास और मम्मी जी गेहूं ले जा रही है। अरे लालू जी खड़े ही रहोगे, अपनी दुकान बंद करो, जल्दी राशन लेने जाओ, देख रहे हो कितनी भीड़ है, कहीं राशन खत्म उत्तम हो जाए। लालू जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, लाइन लगी पड़ी है राशन लाने वालों की, पीछे देखो पीछे हमारे पीछे कितने लोग राशन लेके आ रहे हैं, राशन खत्म भी हो सकता है। बिल्कुल सोनिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं देख रहा हूँ वैसी जी केजरीवाल अखिलेश सब लोग लेके आ रहे हैं राशन, राशन जल्दी खत्म हो सकता है, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी जाता हूँ दुकान बंद करके राशन लेने के लिए। अब जब राशन लेना है तो दुकान को थोड़ी देर के लिए बंद करना ही पड़ेगा, अगर दुकान खुली रखोगे तो राशन नहीं मिलेगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे सर जी ये नहाने वाला साबुन भी एक्सपायर है, इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। लालू जी अब साबुन को पकड़े मत खड़े रहो और सामान देखो इस किराना दुकान में कि कौन कौन सी चीज एक्सपायर है। अगले समय पक्की जानकारी मिली है कि तुम अपनी किराना दुकान में एक्सपायरी माल बेचती हो, ये देखो हमारे पास पूरी लिस्ट है। लेकिन मोदी सर जी आपको कोई गलत पहनी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो लालू जी के हाथ में जो साबुन है उन्हें रखे रखे बहुत वक्त हो गया, वो एक्सपायर हो सकती है क्योंकि उन्हें कोई खरीदने वाला आया ही नहीं। लेकिन और सारा का सारा सामान देख लो, कोई भी सामान एक्सपायर नहीं है, सबकी समाप्ति तारीख देख लो आप। लेकिन मोदी सर जी एक चीज बता दो, ये गलत जानकारी आपको दी किसने जो आप मेरी दुकान को चेक करने के लिए चले आए? देखो बात ये नहीं है कि किसने जानकारी दी अखिलेश, अब बात यहाँ पर रुकती है कि तुम अपनी दुकान में एक्सपायरी सामान बेचती हो, मेरा मतलब जिसकी डेट निकली हुई होती है वो सामान बेचती हो, जो कि गलत है अमान्य। जब अगले तुम अपनी दुकान में एक्सपायरी चीज बेचोगे तो पुलिस तो आएगी। गांव वालों ने तुमसे कितनी बार शिकायत की कि देखो गलत माल मत बेचो, गलत माल मत बेचो, लेकिन तुम नहीं माने, आखिरकार किसी ने पुलिस बुलाई ली। अरे योगी जी आपकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि पुलिस और किसी ने थोड़ी बुलाई होगी, आप ही ने बुलाई होगी। आप कह रहे हो कि किसी ने पुलिस बुला ली, किसी ने नहीं बुलाई पुलिस, आप ही ने बुलाई। मोदी सर जी साबुन के अलावा बाकी सब सामान तो ठीक है अखिलेश की दुकान में, इस साइड में मैंने सब कुछ देख लिया। राहुल तुम कैसे खड़े पड़े हो, तुम इस साइड में देखो सामान को, इधर कोई सामान एक्सपायर तो नहीं है? वैसे अखिलेश अभी तक तो सिर्फ साबुन ही एक्सपायर निकली है तुम्हारी दुकान में, बाकी सब तो ठीक है। मोदी जी मैंने आपसे कहा नहीं था किसी ने गलत जानकारी दी है? हाँ साबुन पर मेरी ध्यान नहीं गई, साबुन एक्सपायर हो गए, बाकी मेरी दुकान में सब कुछ ठीक है। राहुल इधर का सामान तुमने देख लिया? हाँ मोदी जी इधर भी सारा का सारा सामान ठीक है, पूरी की पूरी दुकान ठीक है, सिर्फ लालू जी के हाथ में जो साबुन एक्सपायर है वो ही है बस। चलो अखिलेश इस बार तो तुम्हारी दुकान ठीक निकली, सिर्फ साबुन एक्सपायर निकले, कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी दुकान में एक आध चीज तो एक्सपायर हो ही जाती है। लेकिन अगर तुम्हारी दुकान में ज्यादा सामान एक्सपायर निकलता तो दिक्कत हो जाती तुम्हें। लगता है लालू जी किसी ने हमें गलत जानकारी दे दी थी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।